स्वागत है आपका नवराष्ट्र भारत में। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं। लगातार किसानों का आंदोलन है, वो जारी है। लगातार किसान एक दो महीने हो चुके हैं अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पे लगातार डटे हुए हैं। मेरे साथ में विकास जी हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं किस प्रकार से कैसे आंदोलन चल रहा है। विकास जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके जज्बे को सलाम है। आप इतने दिन से यहाँ पर लगातार टिके हुए हो, तो क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत स्वागत है जी, और आपका भी स्वागत है। आप इतने बढ़िया कार्य कर रहे हो, इस किसान की लड़ाई को कवरेज करने के लिए आए हैं। और जो मैं देख रहा हूँ कि आप एक बाबा जी होने के बावजूद भी किसान की इस लड़ाई को कवरेज करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। और ये जो किसान आंदोलन है बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है, और 26 जनवरी की कल जो परेड है उसको करोड़ों की संख्या में किसान शामिल होने वाला है, तिरंगे के साथ शामिल होगा। और बहुत बड़ी मात्रा में ट्रैक्टर यहाँ आ चुके हैं, और बिल्कुल शांति और संयम के साथ ये परेड होगी। पूरी दुनिया देखेगी इस परेड को, बहुत शानदार परेड होने वाली। 26 जनवरी को परेड को लेकर के किसानों में कैसा उत्साह नजर आ रहा है? उत्साह बहुत भारी उत्साह हुआ है। हमने हरियाणा में ये कहा था कि फैमिली से एक सदस्य जरूर आए, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी फैमिली आएगी। बिल्कुल, यहाँ की लगातार जो ट्रैक्टरों की संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जो ट्रैक्टर है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ट्रैक्टरों की संख्या लाखों में, लगभग मैं कहता हूँ कि टिकरी बॉर्डर के ऊपर 5 लाख ट्रैक्टर आ चुके हैं, और अभी तो एक दिन और अभी बाकी है, लाखों ट्रैक्टर और भी आने वाले हैं। और किसानों की संख्या करोड़ों की संख्या में हो चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्साह सरकार के नाराजगी भी है और किसानों का उत्साह भी है। क्योंकि जैसा कि आप, क्या लगता है आपको, मतलब पहले सरकार ने परमिशन नहीं दी, बाद में परमिशन दे दिया, पर सरकार ने नहीं दिया, दिल्ली पुलिस ने दिया है आपको अंदर जाने के लिए, तो क्या लगता है सरकार के जो रणनीति है वो क्या लग रही है आपको? देखिए, पुलिस ये परमिशन दिल्ली पुलिस ने दी ना या सरकार ने दी, या परमिशन मिली है किसान का दबाव से। सरकार को पता चला है कि करोड़ों की संख्या में किसान आएगा, लाखों की संख्या में ट्रैक्टर आएगा, इसलिए सरकार ने जमा बिल्कुल दबाव मान के परमिशन दी। परमिशन जिस तरह दिल्ली के बाहर क्यों दी है? ये दिल्ली के बाहर की परमिशन नहीं है, कम से कम भी 260 किलोमीटर दिल्ली के अंदर ये परेड होने वाली है। बिल्कुल 260 किलोमीटर अंदर परेड होने वाली है दिल्ली के अंदर चारों ओर से। और जो है ये परेड जो है, इसकी खास बात ये रहेगी कि परेड केवल भारत देश के किसान की नहीं, पूरी दुनिया के किसान के लिए ये परेड निकलेगी। मैं समझता हूँ क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो है पूंजीपति किसानों को शोषण कर रहे हैं, उसको किसानी से निकालना चाह रहे हैं। पूरी दुनिया के देशों के किसानों को ये संदेश जाएगा, पूरी दुनिया के पूंजीपतियों को ये संदेश जाएगा, राजनीतिक लोगों को ये संदेश जाएगा कि किसानों का शोषण अब नहीं किया जा सकता। इस परेड के सारे सरकार की आंखें खोलने का किसान काम करेगा। बिल्कुल, सरकार की आंखें खोलेगा और पूरी दुनिया की भी आंखें खोलेगा, और जो सरकार का जो नंगापन है, जो तानाशाही है, वो भी पूरी दुनिया के सामने ये परेड लेके रख देगी। हमारे साथ लगातार जो किसान है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हमारे साथ विकास जी थे, काफ़ी अच्छा इनका कहना है, और लगातार किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। हमारे साथ और भी साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष। कहाँ से हो आप? सिरसा से। सिरसा से आप यहाँ पर पहुँचे हो, कैसा लग रहा है किसान आंदोलन के अंदर, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों में जोश भी बहुत है। जैसे मेरे गाँव की बात बताऊँ, मोड़ा वाली गाँव में कुल 30 घर हैं, 30 घरों में से हर एक घर में से 2 या 3 बंदे आए हुए हैं, चौथी बार पांचवीं बार ट्रैक्टर आए हुए हैं, 4 ट्रैक्टर आए हुए हैं जी। और 50-60 आदमी यहाँ आ चुके हैं, 70-80 की सारी जनसंख्या है, सारे सिरसा जिला में यही माहौल है, सारी जगह सारा सहयोग मिल रहा है। अब कल देखना आप कि टिकरी बॉर्डर में अब रोहतक तक जाम लग जाएगा, ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर आ रहे हैं, ट्राली साथ में नहीं है फिर भी इतनी भीड़ है। 150 किसान शहादत दे चुके हैं, फिर भी सरकार की आँखें क्यों नहीं खुल रही है? खुल जाएगी, अब खुलेगी। इस सरकार को पता नहीं था भी किसानों में इतना जोश है और इतनी इनकी बड़ी ताकत है। कहीं ना कहीं किसान सरकार का सरकार की आंखें खोलने का काम करेगा। हाँ, जरूर करेगा, क्योंकि सरकार ने आंदोलन बहुत देखे होंगे, ऐसा आंदोलन कभी नहीं देखा होगा। कभी नहीं देखा, नहीं है ऐसा आंदोलन होगा, ये 210 देशों में लाइव दिखाया जाएगा, देखना आप कल 26 जनवरी की परेड में। हाँ, 300 देशों में लाइव दिखाया जाएगा, और जमींदार के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इसने पहली बार 26 जनवरी में ये करके दिखाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ जो सिरसा के साथी थे वो मौजूद हैं, काफ़ी अच्छा इनका कहना है। लगातार जो किसानों का आंदोलन है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगातार जो किसानों की संख्या है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जो किसान है अपनी मांगों को लेकर, कल 2 महीने हो जाएंगे क्योंकि 26 नवंबर को आंदोलन शुरू हुआ था, कल 26 जनवरी है, और 2 महीने के अंदर जो किसान है वो 2 महीने यहाँ पर हो जाएंगे बैठे हुए को। आप तस्वीरें देख रहे हैं, टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें, लगातार आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।